पिछले वीडियो में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ा था हमने, और इसमें सिर्फ सी का एस ये चेंज आया है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी NCTERT के अंडर काम करता है, उसका यूनिट है, और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इट मींस ये नंबर में ज्यादा होंगी, ये SCERT के अंडर काम करता है। इंडिया विभिन्नता का देश है, कारण हमारा एजुकेशन का एम जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन रहा है वो अचीव करने में हमें बड़ी दिक्कतें आती रही हैं। और ये दिक्कतें मेन है क्या, एक गैप है, बड़ा गैप है रिच और पुअर में, अर्बन और रूरल में, जनरल और रिजर्व कैटेगरी, जिनको जहां अनरिजर्व्ड और रिजर्व कैटेगरी में, विशेष करके SC और ST OBC में, और अर्बन और रूरल में रिमोट रूरल एरिया के जो लोग हैं उन तक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पहुंच नहीं सकी। अब उसके लिए प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सलाइजेशन प्राप्त करने के लिए दो ऑप्शन है, जहां तो ये स्कूल है, यहां पर लर्निंग है होती, ये टीचर हैं, टीच करते हैं, या एक ऑप्शन क्या है कि ये बच्चे स्कूल पहुंच जाएं, दूसरी ऑप्शन क्या है कि टीचर इनके घर पहुंच के टीच करें। अब ये दोनों क्या है, फिजिकल पहुंच की असेस की बात है। विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर बच्चा स्कूल नहीं पहुंच सकता तो स्कूल को, एजुकेशन को बच्चे तक पहुंचना चाहिए। तो अब ये अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के एम को अचीव नहीं कर सकी तो तीसरा ऑप्शन क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कि जिन बच्चों तक एजुकेशन नहीं पहुंच सकी, टीचर नहीं पहुंच सका, उन तक लर्निंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जरिए पहुंचाई जाए। इसके लिए 1983 में इंसेट फॉर एजुकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसका मेन पर्पस था ट्रांसमिशन सिग्नल सेंड करने, लर्निंग सेंड करनी, किनको, 5 से 11 साल के बच्चों को, और किस एरिया में, रूरल एंड रिमोट एरिया में। तो 83 में इंडिया ने एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन के एम को अचीव करने के लिए इंसेट का, इंडियन सैटेलाइट का प्रोजेक्ट जो था लॉन्च किया, जो मैं पीछे बता के आया हूं कि ये टीचर है, ये लर्नर है, अगर इन रिमोट एरिया में नहीं पहुंच सके, ये नहीं पहुंच सके, ये यहां नहीं पहुंच सके, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जरिए सिग्नल पहुंचा, और जहां बच्चा रिमोट में था वहां टेलीविजन पर जो एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं उनको देख के वो लर्न कर ले और बेसिक एजुकेशन पूरी कर ले। 83 में इंसेट फॉर एजुकेशन के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश की वो थी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। सिर्फ पहले 6 स्टेट में ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश की गई। नॉर्मली ये स्टेट्स कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, जिन में ज्यादा रिमोट रूरल एरिया है, ये ऐसे रूरल एरिया के क्लस्टर जहां ज्यादा थे और एजुकेशन वहां नहीं पहुंच पाई थी उनको आइडेंटिफाई किया गया, और वो 6 स्टेट थी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। अब इन 6 स्टेट को, क्योंकि ये बार बार आपके क्वेश्चन में आनी है, इनको जल्दी कैसे याद रखा, मैंने लिखा ओ मेरे बाप जी यूपी जाओ। अब ओ से हो गया उड़ीसा, एम से हो गया महाराष्ट्र, बी से हो गया बिहार, ए पी से हो गया आंध्र प्रदेश, और जी से हो गया गुजरात, और यूपी से हो गया यूपी। इन स्टेट में इंसेट फॉर एजुकेशन प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली लागू करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया और SCERT को इनका कंट्रोल दे दिया गया। इसके बाद 86 की पॉलिसी ने भी इस बात पर जोर दिया कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को ये एम अचीव करने के लिए साइट के जरिए यूज किया जाए। मीन्स साइट का काम क्या था, प्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल टेलीविजन प्रोग्राम्स फॉर 5 to 11 ईयर स्टूडेंट्स एंड प्राइमरी स्कूल टीचर्स।
इसके अलावा टोटल लिटरेसी कंपेन TLC एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन जो अल्टीमेट एम है हमारा एजुकेशन का, उसको प्राप्त करने के लिए साइट्स को यूज किया गया। रोल क्या है, रोल एंड फंक्शन ऑफ साइट्स, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का रोल एंड फंक्शन किए थे, कुछ पॉइंट्स उससे मैच करेंगे, कंफ्यूजन ना हो सके, बाद में मेमोरी ट्रिक के साथ आपको सेपरेट उनको सिखा देता हूं। दो बातें वही वाली याद रखनी है जो पहले भी कहा था, इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी साइट और CIET कोई भी हो, इंटीग्रेशन मीन के टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज करना है कि एजुकेशन के एम को अचीव कर लिया जाए। यहां एक बात है कि ये डिपेंड करता है, रोल डिपेंड करता है हर स्टेट की डिफरेंसेस पर, क्योंकि एक स्टेट की प्रॉब्लम दूसरी ज्योग्राफिकल दूर जो है उससे डिफरेंट हो सकती है। रोल एंड फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनसेट फॉर एजुकेशन प्रोजेक्ट। ऑलरेडी हम कर रहे हैं, 6 स्टेट का अपने नाम बताना है और ये बताना है कि SERT के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर ये काम करती हैं। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल असिस्टेंट SERTEs कहां से रिसीव करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहलाती है। और गवर्नमेंट ने ये फील किया कि इनको सेल्फ गवर्निंग, ये खुद इंडिपेंडेंटली काम कर सके, ऐसा ऑटोनॉमस स्टेटस दे देना चाहिए, इफेक्टिवली काम कर सके। और इनमें से UP, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ऑटोनॉमस स्टेटस इनको दे चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन, मैंने प्रोडक्शन मेन वर्ड रखा है, बाद में यही इसी को यूज करेंगे, पूरा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब आती है नेचुरली है कि कुछ क्रिएट करना, क्रिएट क्या करेंगे, क्योंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं सिंपल, तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ऑडियो वीडियो मटीरियल, एजुकेशनल टेलीविजन के प्रोग्राम जो उन बच्चों के लिए सूटेबल है लिटरेसी को और प्राइमरी एजुकेशन के एम को अचीव करने के लिए हेल्पफुल है, वो प्रोड्यूस करने, वो क्रिएट करने। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग। ओके, तो ये पॉइंट भी रूटीन होता है, जब भी ट्रेनिंग वर्ड आए आपने ये वर्ड स्किल डेवलपमेंट या कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट उसकी एक्सप्लेनेशन में लिखना है। तो यहां पर मैंने किया है कि टीचर्स की स्किल को डेवलप करने के लिए साइट्स प्राइमरी टीचर्स को ट्रेनिंग भी देती है कि कैसे यूटिलाइज करना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। करिकुलम डेवलपमेंट CERT का, जहां भी NCERT आता है और उसकी स्टेट लेवल की जो एजेंसी है SCERT है ना, ये साइट के SCERT के अंडर काम कर रही है, तो करिकुलम उसका मेन काम है ही है, फंक्शन है ही है, तो करिकुलम यहां आपने जोड़ देना है ET के साथ के ET की सहायता से करिकुलम को डेवलप करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग डिजिटल रिसोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, मल्टीमीडिया मटेरियल अलाइन विद करिकुलम फ्रेमवर्क, जो CIET में बात की थी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो गाइडलाइन देता है कि ऐसे करना है, उसकी गाइडलाइन को मान के साइट वैसे करिकुलम मटेरियल तैयार करने में हेल्प करवाती है। पॉइंट है रिसोर्स सेंटर। रिसोर्स जहां वर्ड आता है उसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो यहां पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली क्या चीज है, लर्निंग है, नॉलेज है, स्किल्स है, ये सभी ये कहां से होंगी, ये लाइब्रेरीज में से। इट मींस रिसोर्स सेंटर्स क्या हैं कि वो लाइब्रेरी को मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं, डिजिटल ज्ञान के भंडार को मेंटेन रखती है, एजुकेशनल मटेरियल, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया, वही वर्ड जो रिपीट हो रहे हैं, तो इनमें मेन वर्ड है लाइब्रेरीज एंड डिजिटल डिपॉजिटरीज। एक वर्ड ये है मल्टीमीडिया, तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वहां डिफरेंस और इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। मल्टीमीडिया क्या है, मतलब एक से ज्यादा मीडिया को यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट को भी, इमेज को भी, एनिमेशंस को भी, वीडियो को भी, है ना, एनिमेशन को, ये सारा कुछ इकट्ठा यूज कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मीडिया में सिंगल एक जैसे टेक्स्ट है सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस वीडियो, डिजिटल डिवाइड, ऑलरेडी मैंने इसका बेस पहले अब बता के आया हूं, उसी में से लर्न करेंगे।
वर्ड आ गया डिजिटल, तो आपने क्या याद रखना है, इंटरनेट मैंने एग्जैक्ट लिखा है जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इसकी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जितने भी ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं आप उनको याद कर सकते हैं। तो डिजिटल डिवाइड या डिजिटल गैप, दो वर्ड यूज किए जा सकते हैं। तो वो गैप है, कुछ हमारी सोशल क्लास है उनकी डिवीजन है, तो किसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ज्यादा है, रिच के पास या पुअर के पास, रिच के पास ज्यादा है, अर्बन के पास ज्यादा है या रूरल के पास ज्यादा है, अर्बन के पास ज्यादा है। अच्छा, अर्बन रूरल और रिमोट रूरल में किससे ज्यादा है, रूरल के पास ज्यादा है, रिमोट वालों को फैसिलिटी मिल ही नहीं सकी, जीरो, है ना। तो ये डिफरेंस, ये गैप, ये डिवाइड जो है डिजिटल गैप, इसको ब्रिजिंग करना है, पूरा करना है, कि ये जो जिनको नहीं मिल सका, जिनको कम मिला है, उनको भी इक्वली डिजिटल रिसोर्स, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीविजन, इसीलिए ई टेलीविजन, है ना। अब तो जो स्वयं प्रभा है, 34 चैनल है, इसकी बार 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 बात कर चुका हूं। कई बच्चों के पास अच्छा मोबाइल ही नहीं है, आगे चल के मैं आपको डाटा भी देता हूं। ऐसे ही जो जनरल कैटेगरी है उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ज्यादा है, जहां जो एससी एसटी बीसी है इनके पास, तो ये पीछे रह गए। दैट इज व्हाई इनको गैप को फिल करना है। ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनजस्टिस है, इस इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। कुछ रिसर्च डाटा है, पहले तो अनइक्वल असेस डिजिटल डिवाइड कांसेप्ट है, ये इसके बिना डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, डाटा क्या है कि 60% richest person है, वो चार गुना ज्यादा डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी, ये फाइनेंशियल आ गया, एजुकेशनल नहीं है। जो 40% poorest हैं, उनसे चार गुना ज्यादा वो फैसिलिटी यूज कर रहे हैं। डिजिटल गैप है। क्वेश्चन में क्या है, रिसर्च ने ये कहा है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इंडिया कैनॉट असेस ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स 40 को मिल रहा है, 60 को नहीं मिल रहा। स्टडी ने तो यह कहा कि अर्बन प्राइवेट स्कूल्स में कई बच्चों के कई बच्चों को 50% पेरेंट्स को प्रॉब्लम है कि इंटरनेट सिग्नल या स्पीड ही नहीं मिल रही। जिनको स्पीड और सिग्नल नहीं मिल रही, वो डिजिटल गैप है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लोकसभा में ये कहा कि लेस देन 10% ऑफ इंडियन स्कूल्स आर इक्विप्ड विद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये वो डाटा है, आप देख सकते हो कि लेस देन 10% जो स्कूल्स में आईसीटी अवेलेबल है। डिजिटल गैप फिल करने के लिए जो साइट जो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। इन तक इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना ही, है ना, जो है एजुकेशन, लर्निंग, नॉलेज, स्किल वो पहुंचाएगी। ये देखने में एक फोटो है, लेकिन मेरा दिल बहुत खराब होता है, तो ये दिखाई दे रहा है ना कि ये बच्चा कैसे देख रहा है, ये बच्चा कैसे देख रहा है, इन तक ये पहुंच नहीं पाए। हमें लगता है अगर आप जहां रहते हो, आप ये सोचते हो कि सभी बच्चों के पास, सभी इंडियंस के पास मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है। ये पॉइंट लंबा हो गया थोड़ा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है एड्रेसिंग स्टाफ डेफिशिएंसीज। 1986 में जो पॉलिसी बैठी थी, पॉलिसी के कुछ देर बाद उस पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए कहा गया, रिव्यू कमेटीज उनको कहते हैं। तो वो रिव्यू कमेटीज ने भी ये कहा था कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स स्टाफ साइट्स में रखा जाए कि उनको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके और हमारे जो एम है एजुकेशन के वो अचीव किए जा सके। पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कहीं भी रिसर्च वर्ड आए तो आपने एकदम उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन उसकी, है ना, डाटा एनालिसिस, सॉरी। साइट का एक काम डाटा कलेक्ट करना कि कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ टीचिंग लर्निंग बेटर हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी के यूज करने से बेटर नहीं हो रही, जिसके साथ बेटर हो रही है तो वो उसको फैलाना है, जैसे साइट का किया था। पॉइंट है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग भी छोटा कर सकते हैं।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए साइट की हेल्प ली जाती है। में होता क्या है, सिलेक्शन करनी होती है, कुछ हार्डवेयर कौन से लेने हैं बच्चों के लिए, कौन से सूटेबल हैं, सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग कौन सा सूटेबल है, ये लेना है ये नहीं लेना है, ऐसी बातें होती हैं, तो ऐसी प्लानिंग में ये हेल्प करती है। इवैल्यूएशन में भी डाटा गैदर कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट की जाती है। एग्जैक्ट ये रिसर्च के साथ मैच करता है। अगर आपको इसकी ओवरलैपिंग लगती है तो एक ही ये पॉइंट बना लीजिए। फर्क क्या है कि जो ये इवैल्यूएशन है इसमें हम हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करते। रिसर्च का मेन काम डाटा कलेक्ट करके एनालाइज करके, ये इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथेसिस टेस्ट किए जाते हैं। अगर डिफरेंस लिखना है तो ये लिख सकते हैं। कोलैबोरेशन मेन पॉइंट, कोलैबोरेशन जहां भी आता है दो वर्ड, शेयरिंग नॉलेज एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये कोलैबोरेशन करना क्या है कि बाकी की जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी हेल्प करनी है। ये इंस्टीट्यूट है, इसने साइट ने हेल्प करनी है। साइट हेल्प की कैसे करेगी कि इनकी कोई बेस्ट प्रैक्टिस है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के इस तरह से यूज किया कि टीचर लर्निंग प्रोसेस बेटर हो गई, तो इन्होंने इनसे शेयर करने के लिए कहा और ये मॉडल बन के इनको आगे टीच कर रहे हैं, तो साइट इसमें कोऑर्डिनेट कर रही है। पॉइंट को याद कैसे करना है, मेमोरी ट्रिक्स कौन से हैं, फिर वैसे ही लिख लिया रोल एंड फंक्शन ऑफ साइट। अगर CIET के कंफ्यूज होते हैं तो डायरेक्ट इनसे हम याद करेंगे। सबसे पहले मैंने उठाया S को लिख लिया स्टाफ डेफिशिएंसी, D से साथ में ही डिजिटल डिवाइड, ये दो इकट्ठे हो गए। I से उठाया इनसेट अकेला, के इनसेट के लिए पहला पॉइंट बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो दूसरा आई से बन गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के एफ को उठा के मैंने फाइनेंशियल असिस्टेंट लिख लिया, और उसके बाद किया था आर से मैंने रिसोर्स सेंटर कर लिया। ऐसे मैंने साइट से ये याद किया ऑफ डेफिशिएंसी और डिजिटल डिवाइस एट इंफ्रास्ट्रक्चर इन ये लिखा साथ में है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और एफ से फाइनेंशियल असिस्टेंट, आर से रिसोर्स सेंटर। तो ये तो वो हो गए जो साइट से कॉमन नहीं थे, ये पॉइंट याद रखने हैं। अगले वो पॉइंट हैं जो CIET से कॉमन हैं। SIET और CIET दोनों में ये पॉइंट मिलेंगे आपको। ये मैंने क्या वर्ड बनाया है, सेंट लिख लिया रीसेंट प्रोडक्शन, आर से रिसर्च लिख लिया यहां इसके नीचे, ई से इवैल्यूएशन लिख लिया इसके नीचे, और दूसरी ई से लिख लिया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन, वो अलग से भी कर सकते हैं। सी से इसके दो लिख लिए कोलैबोरेशन, दूसरा करिकुलम, ई से ट्रेनिंग। रिसेंट प्रोडक्शन CIET में भी काम आएगा, जो टॉपिक छोड़ के जाते हैं वो सिर्फ इतना कर ले और ऊपर वाला थोड़ा सा देख ले, तो इतने में ही आपका काम जो है ऐसे टाइप में चल जाएगा। टोटल क्या याद रखना है पॉइंट के लिए, जो मेरा टॉपिक है ही है साइट, आगे याद रखा रिसेंट प्रोडक्शन, बस साथ एक बार कॉपी पर लिखोगे बाकी याद हो जाएगा। और भी कोई टॉपिक है आपको प्रॉब्लम देता है, उसको इजी करना है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।